रशिया के सैटेलाइट ने खींची चांद की फोटो। चांद के उस फोटो में दिख रहा है हमारा जिंदा चंद्रयान टू। चंद्रयान टू को जिंदा देख करके नासा में मचा हड़कंप। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर अभी अभी की आ रही है कि रशिया के एक सैटेलाइट ने चांद की फोटो खींची है। चांद के फोटो में साफ साफ हमारा चंद्रयान 2 दिखाई दे रहा है। जैसे यह चंद्रयान 2 की खबर आई, सबसे पहले नासा में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो फोटो आया है उसमें चंद्रयान 2 साफ साफ जिंदा दिखाई दे रहा है। अभी तक चंद्रयान 3 के द्वारा खींचे गए फोटो में जब चंद्रयान 2 दिख रहा था, तब लोगों को लग रहा था, दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसियों को लग रहा था कि भारत झूठ बोल रहा है। लेकिन जब रशिया के सैटेलाइट ने फोटो खींच कर दुनिया के सामने रखी, तो दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कि रशिया भारत के चंद्रयान 3 की तरह अपना लूना 25 लॉन्च कर रहा है। लूना 25 भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के लैंड करेगा और भारत से कंपटीट करेगा। भारत जहाँ चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बनना चाह रहा है, तो अब इसके सपने पर पानी फेरने के लिए रशिया कंपटीशन में उतर चुका है। रशिया ने कहा है कि हम भी अपना चंद्रयान 3 की तरह लूना 25 को लॉन्च करेंगे, जिसका मेन काम होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जा करके उतरना, वहाँ पर लैंड करना। इससे रशिया भारत से पहले पहुँच जाएगा और भारत से पहले विश्व में अपना रिकॉर्ड बना लेगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद जब रशिया सोचा कि हमें चांद पर जाना है, तो एक बार लाओ चांद को हम अपने सैटेलाइट से स्कैन कर लेते हैं और सारे फोटो वगैरह खींच लेते हैं। तो जब रशिया के सैटेलाइट ने चंद्रमा की फ़ोटो खींचनी शुरू की, तो सबसे महत्वपूर्ण काम था उसको दक्षिणी ध्रुव का फ़ोटो खींचना। जब वो दक्षिणी ध्रुव का फ़ोटो खींचने लगा, तो उसने देखा कि चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान 2 पड़ा हुआ है, और वो भी जिंदा मोड में। जी हाँ, मतलब कि चंद्रयान 2 पूरी तरीके से जिंदा है, उसमें से लाइट जल रही है, उसमें सिग्नल आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे यह खबर रशिया को मिली, रशिया में हड़कंप मच चुका। तुरंत यह खबर जैसे ही नासा तक पहुंची, नासा के तो पैरों तले जमीन नहीं खिसक चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के चंद्रयान 2 के जिंदा बचे होने से रशिया और नासा को क्या तकलीफ हो सकती है। दरअसल बता दें कि रशिया वहां पर अपना लूना 25 भेज रहा है। ऐसे में अगर वहां पर पहले से कोई सैटेलाइट होगा या कोई लैंडर या रोवर होगा, तो लूना 25 के नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से रशिया का लूना 25 फेल भी हो सकता है। इसी बात से रशिया काफ़ी घबराया हुआ है। उधर जब नासा को पता चला कि भारत का चंद्रयान 2 अभी भी जिंदा है, तो नासा के पैरों तले ज़मीन इसलिए खिसक चुकी है क्योंकि नासा को अब यह अंदाज़ा लग चुका है कि चंद्रयान 2 के पास भारी भरकम डाटा होंगे, जो भारत को बहुत ही जल्द महाशक्ति बना सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और पृथ्वी को छोड़ करके चंद्रमा पर पहुंचने वाला है, ऐसी स्थिति में ही चंद्रयान 3 ने इतने गजब गजब के खोज कर लिए हैं, इतने अहम डाटा पब्लिक को प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अगर चंद्रयान 2 भी जिंदा मिल गया, तो जरा सोचिए भारत के हाथ में तो जैकपॉट लग जाएगा। इसीलिए नासा को भी ये समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। इस बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिख करके इस वीडियो को चंद्रयान 3 के लिए एक लाइक जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बनने ही वाला है, कि तभी बीच में रशिया कूद पड़ा है। रशिया ने कहा है कि मैं अब अपना लूना 25 लॉन्च करूंगा, जो भारत से पहले ही चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर सकता है। दरअसल बता दें कि भारत का जो चंद्रयान 3 है, वो इसलिए 24 इतना दिन लगा रहा है क्योंकि वह पहले पृथ्वी के कई चक्कर लगाया, अब इसके बाद चंद्रमा का वो कई चक्कर लगाएगा, फिर इसके बाद चंद्रमा पर लैंड करेगा। और वहीं अगर बात करें रशिया की, तो रशिया का लूना 25 जब लॉन्च होगा, तो मात्र एक चक्कर वो पृथ्वी का लगाएगा, फिर वह चंद्रमा की तरफ चला जाएगा, फिर एक चक्कर चंद्रमा का लगाएगा और फिर चंद्रमा उतर जाएगा। ऐसे में अगर आप
देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा साफ साफ कि इसरो से लेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो से जल्दी वह चंद्रमा की कक्षा में पहुँच कर चंद्रमा पर लैंड कर सकता है और भारत का जो सपना है दुनिया में प्रथम आने का उसे तोड़ा जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इसरो के ऊपर काफ़ी दबाव बन रहे हैं। लेकिन जब से खबर यह आई है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 जिंदा है तब से रसिया के तो होश उड़े हुए हैं और वहीं भारत के जान में जान आई है। दरअसल बता दें कि भारत अपना चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतारेगा वह चंद्रयान 2 से बहुत दूर है, इसलिए चंद्रयान 2 का जो नेटवर्क होगा वह भारत को तकलीफ़ नहीं देगा। वह भारत के चंद्रयान 3 से कनेक्ट होकर के उसे डिसलोकेट नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करें रसिया की तो रसिया का लूना 25 उसी जगह पर उतरने वाला है जहां पर चंद्रयान 2 गिरा हुआ है और इसी वजह से रसिया घबराया हुआ है, क्योंकि रसिया अगर उसी जगह पर अपना लूना 25 उतारता है तो उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है और उसका कनेक्शन पृथ्वी पर से टूट सकता है जिसकी वजह से रसिया का लूना 25 फेल हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की तो अगर भारत अपना चंद्रयान 3 उसी जगह पर उतारे जहां पर चंद्रयान 2 ऑलरेडी गिरा हुआ है तब भी भारत को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 दरअसल चंद्रयान 2 का ही अपग्रेड मॉड्यूल है। मतलब कि चंद्रयान 2 के सारे सेंसर, सारे कैमरा और सारे प्रोग्रामिंग चंद्रयान 3 में ऑलरेडी हैं और उसके बाद अपग्रेड किए गए हैं, इसलिए चंद्रयान 2 का जो सिग्नल होगा वह चंद्रयान 3 के लिए फैमिलियर सिग्नल होगा जिसकी वजह से चंद्रयान 3 डिसलोकेट नहीं हो सकता है। लेकिन रसिया के लूना 25 के लिए बिल्कुल वो फॉरेन या फिर एलियन सिग्नल होगा जिसकी वजह से लूना 25 डिसलोकेट हो सकता है। अगर बात किया जाए चंद्रयान 2 की तो चंद्रयान 2 भले ही हार्ड लैंडिंग करके चंद्रमा की सतह पर गिर चुका था, भारत का सपना तोड़ चुका था, लेकिन अब वह वहाँ पर रहने की वजह से दुनिया की और स्पेस एजेंसियों का सपना तोड़ रही है और भारत का सपना पूरा कर रहा है। क्योंकि अगर सोचिए चंद्रयान 2 वहाँ पर गिरा न होता और वहाँ पर वो आधा जिंदा न होता तो वहाँ पर रसिया के सैटेलाइट या रसिया के लूना 25 को उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती, जिसकी वजह से रसिया हो सकता था कि नंबर 1 बन जाता। लेकिन अब जब वहाँ पर ऑलरेडी चंद्रयान 2 पड़ा हुआ है और रसिया का लूना 25 नहीं उतर सकता तो ऐसे में अब लग रहा है कि भारत ही ऐसा देश बनने वाला है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला कदम रखेगा। बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिकों ने पानी के साथ साथ बहुत सारे खनिज पदार्थ होने की जो संभावना व्यक्त की है उसे चंद्रयान 3 पूरा करने के लिए निकला हुआ है और चंद्रयान 3 ऐसे तमाम तरीके के नेटवर्क और टेलीविजन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, उसको अच्छे से लोकेट करेगा जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत में बिना इंटरनेट के मोबाइल में आप लाइव टेलीविज़न भी देख सकते हैं। यह भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और चंद्रयान 3 के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।